शिवी टीवी। मैं रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर रहता था, जो अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर था। हर शाम को मस्जिद से घर के रास्ते से मैं मंदिर के पास घूमता था। मुझे हमेशा यहाँ एक अजनबी की तरह महसूस होता था, क्योंकि मंदिर के लोग मुझे शक की निगाहों से देखते थे। वे शायद सोच रहे थे कि एक मंदिर के सामने एक मुस्लिम लड़का क्या कर रहा था। सच्चाई यह थी कि मुझे मंत्रों के लयबद्ध उच्चारण को सुनना अच्छा लगता था, हालांकि मैंने कभी एक शब्द नहीं समझा। उनमें एक अजीब सा जादू था। बेशक कुछ और मुझे वहां ले गया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त रमंधा शास्त्री मुख्य पुजारी के बेटे थे। वह इस समय अपने पिता के पास बैठा था। उसने इस घंटे अपने पिता के पास बैठकर भजन सुनाया। राम समय समय पर मुझ पर मुस्कुराते हुए चोरी करते, समय समय पर मेरी ओर एक मुस्कुराहट। स्कूल में राम और मैं हमेशा अपनी कक्षा की पहली बेंच पर एक साथ बैठते थे। हम भाई जैसे थे। हालांकि एक हिंदू पुजारी के बेटे होने के नाते उन्होंने एक पवित्र धागा पहना, जबकि मेरी सफेद टोपी ने मुझे एक मुस्लिम के रूप में चिन्हित किया। एक दिन जब हम पांचवी कक्षा में थे, एक नया शिक्षक हमारी कक्षा में आया। वह सख्त दिखे। वह अपनी हथेली पर अपने पैर की अंगुली को दबाते हुए अपने गन्ने को टैप करते हुए कक्षा में चला गया और हमारे सामने रुक गया। आप सफेद टोपी में एक मंदिर के पुजारी के बेटे के पास बैठने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? वह चिल्लाया, आखिरी बेंच पर बैठो। मुझे लगा कि मैं आहत हूँ। मेरी आंखों में आंसू के साथ मैंने कई किताबें उठाई और अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हो गया। राम और मैं स्कूल के बाद चुपचाप रोते थे। हमने सोचा कि अब हमें दोस्त नहीं बनने दिया जाएगा। जब मैं उस दिन घर पहुंचा, तो मेरे पिता ने मुझे देखा और पूछा, क्या तुम रो रहे थे? क्या हुआ बेटा? मैंने अपने पिता को पूरी घटना सुनाई, जबकि राम ने अपने परिवार को भी यही कहानी सुनाई। अगली सुबह राम हमारे घर दौड़ते हुए आए और कहा, पिताजी ने आपको तुरंत हमारे घर आने के लिए कहा है। मैं घबरा गया। मुझे लगा कि मैं कुछ और परेशानी में हूँ। हम वापस राम के घर पहुंचे। जब मेरे नए शिक्षक को वहां खड़ा देखा, तो मेरा दिल धड़क उठा। हमारी चर्चा के आलोक में यहां कलाम से माफी मांगे, राम के पिता ने सख्त चेहरे के साथ कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अभी क्या सुना है। प्रधान पुजारी शिक्षक से मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहे थे। कोई भी बच्चा भगवान की नजर में किसी से कम नहीं है। एक शिक्षक के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि में अंतर के बावजूद सद्भाव में रहने में मदद करें। आप अब इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उन्होंने कहा। हमारे शिक्षक ने तुरंत मुझे उन्हें माफ करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, मुझे खेद है कलाम, मैंने आज जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। राम के पिता ने देखा कि शिक्षक ने ईमानदारी से अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया और उन्हें शिक्षण जारी रखने की अनुमति दी। उस दिन से राम और मैं सामने की बेंच पर गर्व के साथ बैठे थे। हम तब से सबसे अच्छे दोस्त बने हुए हैं। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम अ लेसन फॉर माय टीचर इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर लिख के हमें बताएं।